Hey student, assalamu alaikum. Topic 8, biology and service of mankind. हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है, उसके तीन स्टेप थे, फूड प्रोडक्शन, डिजीज कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. तो हमने फर्स्ट स्टेप फूड प्रोडक्शन की बात की थी और उसके अंदर हमने पहला स्टेप इंप्रूविंग वैराइटीज, इसकी हमने बात की है पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर. अब हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट. कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट. तो प्लांट पैथोजेंस क्या है? ऐसे जानदार जो पौधों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं वो प्लांट पैथोजेंस है. वो कौन है? फंजाई है, इंसेक्ट है और पेस्ट. प्लांट पैथोजेंस कौन से हैं? तो वो फंजाई है, इंसेक्ट और पेस्ट. ये प्लांट पैथोजेंस है. तो प्लांट पैथोजेंस करते क्या है? प्लांट पैथोजेंस वीकन द प्लांट. प्लांट पैथोजेंस पौधों को कमजोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इट रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जिसकी वजह से पैदावार जो है वो कम हो जाती है. जब प्लांट पैथोजेंस पौधे के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, तो अटैक करने की वजह से पौधा कमजोर हो जाएगा. जब पौधा कमजोर हो जाएगा तो पैदावार जो है वो हमारी कम हो जाएगी. तो कौन से मेथड है जिसके जरिए हम प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? तो नंबर वन, केमिकल कंट्रोल. द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय अ केमिकल्स. द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय अ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल. तो केमिकल कंट्रोल के अंदर क्या है? उसके अंदर फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है. तो फंजीसाइड द केमिकल विच किल द फंजाई. फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड द केमिकल विच किल द इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड. एंड द केमिकल विच किल द पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड. कॉजेस क्या है, वजूहात क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है जब हम केमिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स कौन से काज होते हैं? तो नंबर एक, दे काज द टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग. इसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जहरीलापन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. नंबर टू, काजेस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जब हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से एक तो जो है वो प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग के लिए पैदा हो जाता है टॉक्सिसिटी, दूसरा जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हो जाती है, माहौलियाती आलूदगी पैदा हो जाती है. और थ्री, द केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं द इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट टू द काज ऑफ केमिकल. तो जब हम ये कहते हैं कि हम दवाई इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंसेक्ट पेस्ट और फंगस वो मरती नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्लांट पैथोजेन ने जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर ली है. अब आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं, जानदार मरता नहीं है प्लांट पैथोजेन. इसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल. द कंट्रोल बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. के प्लांट पैथोजेंस को जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल. It eliminate or such a hazard. इसकी वजह से सारे के सारे जो खतरात होते हैं वो खत्म कर देते हैं. और pests are destroyed by a living organism. और जो pests होते हैं उनको destroy कर दिया जाता है by a living organism. हत्ता कि क्या करता है, या तो जो organism होता है या plant pathogens के साथ compete करता है, या जो है वो उसको क्या करता है, eat up the pest. या उसको जो है वो खा जाता है या फिर उसको जो है उसके साथ मुकाबला करता है. एग्जांपल क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल की? एफिड्स, ये जो तेला होता है, साफ तेला है, काला तेला है. एफिड्स अटैक ऑन द वॉलनट ट्री. जो एफिड्स तेला होता है वो अखरोट के पौधे के ऊपर जो है वो हमला करता है. तो जब वो हमला करता है तो उसकी वजह से उसने डिस्ट्रॉय हो जाना है. तो वैस्प जो भीड़ होती है अटैक दिस एफिड्स, वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करती है एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है.
यानी एफिड जो है वो अटैक करेगा किस चीज के ऊपर, वालनट ट्री के ऊपर, अखरोट के दरख्त के ऊपर जब वो अटैक करता है तो भेड़ क्या करता है, वह ये जो भेड़ होती है वो उस एफिड्स को खा जाती है एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसका मतलब है कि केमिकल मेथड के, केमिकल कंट्रोल के अंदर जो है वो टॉक्सिक प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बल्कि क्या होती है, ये तो सारे के सारे जो मसाइल होते हैं, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार होता है जो उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, लिहाजा इस मेथड केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए जो है वो टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है वो पैदा नहीं होता है। बायोपेस्टिसाइड, सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, तो जो बैक्टीरिया होती है वो भी बायोपेस्टिसाइड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो भी मुख्तलिफ जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको हम IDM भी कहते हैं, मुखफ्फफ है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड अ पर्टिकुलर मेथड टू कंट्रोल द डिजीज। तो द यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड, तमाम मौजू और मुनासिब मेथड इस्तेमाल करके जो बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है उसको हम कहते हैं IDM या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। द यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल द डिजीज इज कॉल्ड IDM या द कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों को कंट्रोल करना बाय यूजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन, जब और जिस वक्त जरूरत हो उसको हम कहते हैं IDM। अगर आप ये डेफिनेशन करते हैं द यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल द डिजीज इज कॉल्ड IDM, तो ये भी डेफिनेशन ठीक है। अगर आप ये डेफिनेशन करते हैं द कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय यूजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड IDM, तो ये भी डेफिनेशन ठीक है। आप कोई भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज IDM, तो फिर आप इसकी डेफिनेशन और ये केमिकल कंट्रोल इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी हम पूछ लेते हैं बाजू का। तो ये हमने पहले पॉइंट किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अब हमने बात की है कि कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट पैथोजन एंड पेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।